नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के विकास खंड महुआ की ग्राम पंचायत अर्जुना में ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचार से ग्रामीण हलाकान। प्रधान के मनमानी रवैये व भ्रष्टाचार से किसान अपने खेतों में जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। ग्राम अर्जुना के किसान जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र पांडे, भरोसीलाल पांडे व अन्य किसानों ने इंडिया न्यूज 28 के ब्लॉक रिपोर्टर रंजनी पांडे को बताया कि विगत 7 वर्षों पूर्व यह पुलिया व रोड ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई थी, लेकिन पुलिया में मिट्टी भराई का कार्य नहीं किया गया था। वर्ष बीत जाने के बाद 7 वर्षों बाद भी आज इस पुलिया की हालत जैसी की तैसी है। किसान अपने खेतों में जाने के लिए दूसरों के खेतों में जाने के लिए मजबूर हैं, जबकि दूसरे किसान अपने खेतों से निकलने में झगड़े में आमदा हो जाते हैं, जब मिट्टी भराई के नाम पर ग्राम पंचायत से भुगतान भी 2 बार हो चुका है। किसानों की मांग है कि जांच कराकर दोषियों को दंडित करते हुए मिट्टी भराई का कार्य करवाकर हम किसानों को इस समस्या से निजात दिलाया जाए। पुलिया इतनी ऊंची है कि जब तक मिट्टी भराई नहीं की जाएगी तब तक वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। ब्लॉक रिपोर्टर रंजनी पांडे के साथ बालकृष्ण पांडे की रिपोर्ट। गाँव कौन सा है आपका? अर्जुना है। अर्जुना, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे जी, क्योंकि हम दूसरे के खेतों से निकलते हैं तो वहाँ गाली गलौज का मतलब हमें सामना करना पड़ा और इसकी कोई समस्या मतलब कोई सुलझा नहीं पा रहा। अच्छा, ये पुलिया की इसमें क्या मिट्टी नहीं है? मिट्टी भी नहीं है, एक लगभग लगभग 7 सालों से बनी हुई है। अच्छा, लगभग 7 साल से हो गया। तो ये अगला प्रधान बनाया था, इस प्रधान से भी बोले हैं तो कहता मिट्टी डला रहा है। ग्राम सभा से बनी हुई है? ग्राम सभा से बनी हुई है। अच्छा, ये आपको तकलीफ है? तकलीफ इतना है कि 7 सालों से हम छोटे काश्तकार हैं, यहाँ से निकलने में तकलीफ। लोग यहाँ पे बहुत से हैं, पांडे जी हैं भी हैं हमारे यहाँ के काश्तकार। अच्छा। वो भी कुछ कहेंगे यहाँ के लिए, क्योंकि वो भी 7 सालों से बहुत परेशान है। जो भी बटाई लेता है वो भग जाता है यहाँ से, क्योंकि उनके पास निकलने की समस्या गंभीर है जी। इसका पैसा आया है, इसमें मिट्टी डलाई गई है, इसका पैसा भी निकल चुका है। कहाँ गया इसका पैसा कोई मालूम नहीं। ठीक है, चलो हम पांडे जी से बात करते हैं। कहते हैं हो गया है, हो गया है, हो गया है। अच्छा, इसलिए हमारे काश्तकार यहाँ के पांडे जी भी हैं, पांडे जी आके कुछ कहेंगे यहाँ के लिए, इनकी भी समस्या यही। पांडे जी बताइए, समस्या क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि 7 सालों से हम दूसरे के खेतों से निकल रहे हैं, बार बार निकलने के बावजूद कोई शब्दों का प्रयोग करता है, उसका सहन शक्ति कितने दिनों तक होती है? कम से कम 7 वर्षों से लगातार ये सहते चले आ रहे हैं। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे जो खेतों के जाने के लिए रास्ता बिल्कुल निर्माण अच्छा हो जाए, उसमें मिट्टी पड़ जाए। और देखो, हम देखते भी हैं जिनको हम बटाई को दे देते हैं अपने खेत या खुद करते हैं, तो जानवर लेकर के आते हैं, कई जानवरों किसी का पैर टूटता है, किसी बैल का, तो किसी की लड़ी टूट जाती है, किसी के पहिए टूट जाते हैं, नुकसान ही होता ही होता है। देखो, कोरोना काल था, इसमें देखो महामारी में देखो किसी की ना तो कमाई हो पाई, ना तो कुछ हो पाया, ना तो कुछ कार्य हो रहा है। और जो हम 2-4 रुपए जो पेट के लिए अपना खेतों से कमा लेते हैं उसमें तो इस तरह का नुकसान होता है। कई बार हम ट्रैक्टर को लाने की कोशिश की, कई बार यहाँ ऐसे भी विवाद होने में आ गए कि ताकि हमारे खेतों से ट्रैक्टर ना निकाला जाए, किसी व्यक्ति का बोझ आता है तो उसका भी नुकसान होता है। हम लोग कब तक समझेंगे? हमारे जाने का कोई निर्माण ही नहीं 7 वर्षों से, और पैसा भी इसका बिल भी पास कर चुके हैं ये लोग शायद, और पैसा भी अब कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भाई, कहीं अदरवाइज। लगभग कितने वर्षों से समस्या चल रही है? ये लगभग 7-8 वर्षों से हो रहा है। अच्छा। अगली पंचवर्षीय में हुआ था शायद, जब उमाकांत ये त्रिपाठी जी थे प्रधान जी, तभी ये रोड का निर्माण हुआ था, और ये रोड का निर्माण तभी से ऐसे ही बैकडाउन में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ना तो पता चल रहा है, ना तो हमारे जानवर जा पा रहे हैं, ना तो हमारी समस्या कोई हल कर पा रहा है। हमने कई बार गुहार भी लगाई, कई लोगों से भी कहा, प्रधान से भी कहा, सचिव से भी कहा, कुछ भी कहा। प्रधान जी ने क्या जवाब दिया? प्रधान जी से जब हमने कहा तो कह रहे थे हो जाएगा, बस हो जाएगा, पड़ा हुआ है, लटका रहे हैं बस, समस्या का समाधान हो पा रहा है। ऐसा है कि समस्या का समाधान करवाया जाए, छोटे काश्तकार हम लोग धूप इतनी कर नहीं सकते हैं, इससे अच्छा है कि हमारे रास्ते का निर्माण हो जाए, हमारी कम से कम जी। देखिए, ये पुलिया है और ये इसकी ऊंचाई देखिए, और ये जो है यहाँ से कोई वाहन क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ के काश्तकार बहुत परेशान हैं जो है। ये देखिए, पूरी पुलिया टूटी हुई है, और ये देखिए गड्ढे वड्ढे सब जो है यहाँ पे, बहुत लोग परेशान हैं जो है। करता है ये देखिए, कितनी समस्या गंभीर है यहाँ पे।